जैसे कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानते ही होंगे, ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे ही बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर जो पार्ट्स काम करता है, जैसे कि ब्रीथर। ट्रांसफार्मर का जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है उसमें एक आता है ब्रीथर। ब्रीथर का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है ब्रीथर का। अगर आप इस ब्रीथर को हटा दोगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर का जो ऑयल है वो कुछ सालों के अंदर ही खराब हो जाएगा। तो ब्रीथर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये मान लो एक 10 MVA का ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या रहता है आपको पता है, आपने मेरे पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। ट्रांसफार्मर के अंदर कोर रहता है, ऑयल रहता है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर जब चलता है ना तो क्या होता है, इसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होता है कोर के अंदर, आपको पता है। एंड कोर जब हीट होता है उस कोर को कूलिंग करने के लिए या फिर इंसुलेशन करने के लिए इसके अंदर ऑयल को रखा जाता है। ये जो कोर होता है एक कोर पूरा ऑयल के अंदर डूबा हुआ रहता है। अब जब कोर गर्म होगा तब ऑयल तो गर्म होगा, ये तो पता है आपको। अब जब मान लो जब ऑयल गर्म होगा तो क्या होगा, जो कंसर्वेटर टैंक है उस टैंक में पूरा ऑयल फिल नहीं होता, कुछ हिस्सा ऑयल से फिल होता है एंड और कुछ हिस्सा एयर के लिए छोड़ दिया जाता है, मतलब हवा के लिए छोड़ दिया जाता है। अब जब ऑयल गर्म होगा तो जिस हिस्से में हवा होगा या फिर एयर होगा वो भी गर्म होगा, ठीक है। अब जब एयर गर्म होता है तो आपको पता है एयर एक्सपेंड होने लगता है। तो जब गर्म होगा एयर तो क्या होगा, कंजर्वेटर टैंक के साथ जो ब्रीथर है वो कनेक्ट रहता है, तो वही एयर या फिर हवा उस ब्रीथर की हेल्प से बाहर निकल के आएगा, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर ठंडा होगा तो क्या होगा, वो जो एयर बाहर निकला था वो एयर फिर से अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बाहर जो एयर रहता है या फिर बाहर जो हवा रहता है क्या वो 100% प्योर रहता है, उसके साथ डस्ट पार्टिकल रहता है बहुत। अगर वो डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाएगा और ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, ऑयल बहुत ही जल्द ख़राब हो जाएगा, उसका जो डायलेक्टिक स्ट्रेंथ है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर इंसुलेशन कर नहीं पाएगा, तो ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट होकर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रीथर का रहना बहुत ज़रूरी है। ब्रीथर एक्चुअली काम क्या करता है, ब्रीथर काम यही करता है कि जो बाहर से जो हवा अंदर जाएगा उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल होगा उस डस्ट पार्टिकल को ये ब्रीथर कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, मतलब फिल्टर कर लेता है। आप पानी पीते हो, पानी पीने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं, जो कि एक्वागार्ड का आता है, बहुत कंपनी का आता है। तो वो क्या करता है, जो पानी के अंदर से छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल होता है उससे कलेक्ट करके पानी को फिल्टर करके फिर हमें देता है। तो ब्रीथर यही काम करता है, बाहर से जो हवा है या फिर एयर है जो ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है उस एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल होता है ये ब्रीथर उस डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट कर लेता है अपने अंदर, उसे जाने नहीं देता ट्रांसफार्मर के अंदर। तो फिल्टर करके उस हवा को फिल्टर करके ट्रांसफार्मर के अंदर वो भेज देता है। फिल्टर करने के लिए इसके अंदर सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है। जब सिलिका जेल फ्रेश रहता है, मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल ये एब्जॉर्ब नहीं किया है अब तक, तब उसका कलर ब्लू रहता है, पूरी तरीके से ब्लू रहेगा। लेकिन जब धीरे 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 वो डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तब ये ब्लू से धीरे धीरे पिंक हो जाएगा, और जब पिंक हो जाएगा तब हमें देख के ही पता चल गया है कि हाँ ये जो सिलिका जेल है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है। जब सिलिका जेल पूरी तरीके से पिंक हो जाएगा तब जो डस्ट पार्टिकल को जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो कम हो जाता है, जिसके लिए हमें इस जो सिलिका जेल है इसे रिप्लेस करना पड़ता है, पुराने को हटाकर नया जो सिलिका जेल है उसे लगाना पड़ता है फिर से ट्रांसफार्मर के। ये जो ब्रीथर है ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है कंजर्वेटर टैंक के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे पाया हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाएगा।